तो यार लोकी सीजन 2 में कैंग वेरियन का वेट खत्म हो गया और फाइनली विक्टर टाइमली दिखा दिया गया है। अब क्वांटम मेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद से इस सीन का इंतजार था। हाँ, एक चीज है कि मैंने जैसा सोचा था ये सीन विक्टर टाइमली की पर्सनालिटी उससे काफी अलग थी, पर भयंकर ये था कि ह्यूगो रिमेंस ने अपने मरने के बाद की भी प्लानिंग करके रखी थी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जब मरते टाइम वो सिल्वी को बोल रहा था कि वो वापस आएगा, तो मन ही मन इस विक्टर टाइमली वाले प्लान की भी बात कर रहा होगा। अब लास्ट सीजन में रबोना रेंसलेयर को एक तरफा आशिक मिस मिनट्स टीवी से भागने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ ये ही हु रिमेंस के प्लान का स्टेप वन भी था, जो सीजन 2 के इस एपिसोड में एग्जीक्यूट किया जाता है। ईयर 1868 में जब रेंसलेयर आती है तो लोकेशन में सेक्रेट टाइमलाइन लिखा हुआ था, मतलब ये जो विक्टर टाइमली का बचपन है वो सेक्रेट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है। अब इससे ये सवाल उठता है कि सीजन 1 में ही हु रिमेंस ने बताया था कि अर्थ पर कैंग वेरिएंट 31st सेंचुरी में हुआ था, तो 1868 में विक्टर टाइमली यानी कैंग सेक्रेट टाइमलाइन में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वेरिएंट्स तो ब्रांच टाइमलाइन में होते हैं। अब मेरे ख्याल से ये ही हु रिमेंस के प्लान का पार्ट था, जहां उसने फेल सेफ सिनेरियो बनाया, मतलब सेक्रेट टाइमलाइन में कई ऐसे अपने वेरिएंट्स प्लांट कर दिए जो स्लीपर सेल्स की तरह थे, यानी जब तक उनको ही हु रिमेंस की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं मिलता है तब तक वो नॉर्मली सेक्रेट टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही हु रिमेंस को उनकी ज़रूरत पड़ेगी और वो उसके प्लान का पार्ट बनेंगे, तुरंत वो सेक्रेट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे और एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। जैसे 1893 में जहाँ विक्टर टाइमली को रेंसलेयर और मिस मिनट से टीवीए गाइडबुक मिलने के बाद वो अपने न्यू इन्वेंशंस एग्जिबिट कर रहा था, वो एक ब्रांच टाइमलाइन थी। अब ही हु रिमेंस के लिए सेक्रेट टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी सारी स्क्रिप्ट तो उसी की लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक नया खेल होता हुआ दिख रहा है। ही हु रिमेंस के जो सबसे ज़्यादा करीब रही है वो थी मिस मिनट्स, बट इस एपिसोड में उसकी ऐसी एक तरफा आशिकी देखने को मिली है जो स्टोरी में नया एंगल ला सकता है। ही हु रिमेंस के प्यार में पागल मिस मिनट्स विक्टर टाइमली से वो रिस्पॉन्स नहीं पाती है जैसा उसने सोचा था, और एपिसोड के लास्ट में एंड ऑफ द टाइम के सिटाडेल में रेंसलेयर के साथ वो जब दिखती है तो ये वाइब आ रही है जैसे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, और चांसेस है कि यहाँ से ही हु रिमेंस के विक्टर टाइमली वाले प्लान में मिस मिनट्स धोखा दे दे और इनडायरेक्टली इस सीजन की विलन मिस मिनट्स ही हो, क्योंकि पहले विक्टर टाइमली सीजन 2 का विलन लग रहा था, लेकिन एपिसोड 3 देखने के बाद ऐसा फील हो नहीं रहा है। यहाँ पर जोनाथन मेजर्स की एक्टिंग की भी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि हर कैंग वेरिएंट को अलग फील देने के एफर्ट्स साफ साफ दिख रहे हैं। अब विक्टर टाइमली टीवीए के लिए इस टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की टेम्पोरल ऑरा को यूज करके वो भी टेम्पोरल लूम को फिक्स करेगा। अब ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, बट मिस मिनट्स का नेक्स्ट मूव अब देखने लायक होगा, क्योंकि उसी को सारे सीक्रेट्स पता हैं। इसके अलावा ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड्स की तरह विजुअली काफी अच्छा था, साथ ही साथ कुछ ईस्टर एग्स भी थे। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो था ओडिन और थॉर के स्टैचू के साथ बॉल्डर द ब्रेव का स्टैचू, ये भी मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है, और रूमर्स तो ये भी थे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी के मेंबर्स में से बॉर्डर भी एक होने वाला था, जिसको डेनियल क्रेग प्ले करने वाले थे, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट तक बात बन नहीं पाई। इसके अलावा विक्टर टाइमली भी यहाँ पर कॉमिक्स से अलग था। कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर टाइम ट्रेवल करके 1900 में गया, विक्टर टाइमली का नाम लिया और वहाँ से बिजनेस अपने इन्वेंशंस और दुनिया को कॉन्कर करने के प्लान को सेटअप करने लगा था, बट शो में उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। अब लोकी सीरीज एमसीयू में पूरी तरह से मल्टीवर्स सागा का ही प्रोजेक्ट है, जहाँ शायद सीजन के लास्ट तक टीवीए मल्टीवर्स के लिए शील्ड एजेंसी जैसा काम करने लगे, और पॉसिबली लोकी टीवीए को अकेले या फिर मोबियस की हेल्प से संभालता हुआ दिखे। खैर, अब तुम भी अपनी थ्योरीज और इस एपिसोड से फेवरेट मोमेंट्स कमेंट्स में बता डालो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आई स्पेयर।